वक्त हम मौजूद हैं पहाड़ों के दामन में एक हाउसिंग सोसाइटी या मवीदा हाउसिंग सोसाइटी। नाज़रीन, इस सोसाइटी की क्या ही बात है, यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे एक दरिया गुजर रहा है, यहाँ पे वाटर बेस पार्क्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे गोल्फ स्टेडियम है और ये पाकिस्तान की पहली इको फ्रेंडली सोसाइटी है। इको फ्रेंडली सोसाइटी का मतलब होता है कि नाज़रीन माहौल दोस्त सोसाइटी। पाकिस्तान में इस वक्त जो मवीदा है ये प्योरली इको सस्टेनेबल फीचर के साथ लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास टोटल जो मेगा प्रोजेक्ट की लैंड है वो 100,000 कनाल तक की है। हम इस 12,136 कनाल के अंदर कोई 12% एरिया टोटल ग्रीन एरिया छोड़ने जा रहे हैं, जिसमें अर्बन फॉरेस्ट कल्चर डेवलप किया जाएगा, ग्रीन बैंक्स बनाए जा रहे हैं, नर्सरियां लगाई जा रही हैं, पूरे पाकिस्तान से हम नायाब किस्म के जो पौधे हैं लाके यहाँ पे कल्टीवेट किया जा रहा है। लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं जो प्लॉट्स नहीं ले सकते, खरीद नहीं सकते, घर नहीं बना सकते, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी के साथ आपके पेशे खिदमत हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, हम यहां पे मौजूद हैं इस्लामाबाद से 10 मिनट के फासले पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, आपको मार्गला हिल्स नजर आ रहे होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं पहाड़ों के दामन में एक हाउसिंग सोसाइटी या मवीदा हाउसिंग सोसाइटी। नाज़रीन, इस सोसाइटी की क्या ही बात है, यहाँ पे पहाड़ हैं, यहाँ पे एक दरिया गुजर रहा है, यहाँ पे वाटर बेस पार्क्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे गोल्फ स्टेडियम है और ये पाकिस्तान की पहली इको फ्रेंडली सोसाइटी है। इको फ्रेंडली सोसाइटी का मतलब होता है कि नाज़रीन माहौल दोस्त सोसाइटी। आपने देखा होगा कि नाज़रीन घर बनाने के लिए दरख्त काटे जाते हैं और ये वो सोसाइटी है जिसका 60% जो पोर्शन है वो ग्रीनरी पर होगा। यहाँ पे जो एनर्जी है ये लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, बता रहे थे कि अंडरग्राउंड वाटर को भी सेव करने का कोई यहाँ पे प्रोजेक्ट है और यहाँ पे जितना गंद इकट्ठा होगा उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। सोसाइटी की खास बात बताई जाए तो वो ये है कि ये इको फ्रेंडली है, यहाँ पे पौधे लगाए जाएंगे। इसका एक गेट मोटरवे पे और दूसरा गेट कृपया नाज़रीन, ये इस्लामाबाद से सिर्फ 10 मिनट के फासले पे है और यहाँ पे अगर सहूलियत की बात की जाए तो ये किसी भी लिहाज से इस्लामाबाद से कम नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ की रीज़नेबल प्राइस है। अगर आप नाज़रीन इस्लामाबाद में एक प्लॉट खरीदने जाते हैं वो करोड़ों रुपए में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप 15-20 लाख की रेंज में प्लॉट खरीद सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन मौके हैं और यहाँ पे जो लोग इस्लामाबाद में जगह लेने के ख्वाहिशमंद है, इस्लामाबाद से सिर्फ 10 मिनट के फासले में बेहतरीन इको फ्रेंडली सोसाइटी जहाँ पे आपको 5 मरले का प्लाट मिल सकता है, 8 मरले का प्लाट मिल सकता है, 14 मरले का, 1 कनाल का और 2 कनाल का आसान एक साथ पे। ये आप 3.5 साल के एक पैकेज बना के देते हैं जिसमें आप 25,000 पर मंथ के हिसाब से ये प्लॉट की ऑनरशिप खरीद सकते हैं। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट के जो लीड कर रहे हैं आतिफ साहब हमारे साथ मौजूद हो गए, आइए उनसे जानते हैं और मजीद इस प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं कि ये क्या क्या और ऑफर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब, कैसे हैं आप? मैं फाइन जी, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे बताएं कि इस्लामाबाद के बिल्कुल अकब में इतनी खूबसूरत सोसाइटी और इतनी रीजनेबल प्राइस पे, ये क्या आइडिया, किस तरह से आया, क्या प्रोजेक्ट है, हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बेहतरीन आइडिया के साथ हम लॉन्च करने जा रहे हैं पाकिस्तान का पहला इको सस्टेनेबल सिटी। एक्चुअली पूरी दुनिया के अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक इशू चला है, जो एक हॉट एंड कोर इशू है कि जो अर्बनाइजेशन हुई है, शहरी आबादियां बढ़ी हैं, शहर के साथ कंजस्टेड शहर आबाद होते गए, एग्रीकल्चर लैंड को सोसाइटियों की नज़र कर दिया गया। पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ, पिछली चंद दहाइयों में 25-30 साल पीछे चले जाएं तो हमारे जो शहर थे, प्लैंड सिटीज़ जो थे, मेट्रोपॉलिटन सिटी, उनमें ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात थी, पार्क्स थे, बड़ा खूबसूरत इन्वायरमेंट था, बड़ा ज़बरदस्त लोगों के लिए हेल्दी इन्वायरमेंट था। लेकिन जैसे जैसे क्राउडेड होते गया सिटी, वहाँ पर ट्रैफिक लोड बढ़ गया, ट्रैफिक लोड को मैनेज करने के लिए हमने रोड्स को एक्सपेंड किया, रोड्स को एक्सपेंड करने के लिए हमने डिफॉरेस्टेशन कर दी। डिफॉरेस्टेशन मीन जंगलात को काटना शुरू कर दिया। 100-100 साल पुराने दरख्त थे, एक दरख्त हमें मिलियंस ऑफ टन्स की ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड सक कर रहा है, वो सारी सहूलियात जो नेचुरल इन्वायरमेंट था वो ख़त्म होता जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो डैमेज किया इंसानों ने वो नेचुरल इन्वायरमेंट को किया। पाकिस्तान में इस वक्त जो मवीदा है ये प्योरली इको सस्टेनेबल फीचर के साथ लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें हमारे पास टोटल जो मेगा प्रोजेक्ट की लैंड है वो 100,000 कनाल तक की है और हमने 50% इसकी लैंड की एक्वायराइजेशन कर चुके हैं, इसकी परचेजिंग कर ली हमने, ऑन ग्राउंड हम मौजूद हैं, आपको मैंने सारी साइट का एरिया विजिट करवाया है, मशीनें काम कर रही हैं। हमने 12,136 कनाल के ऊपर अपना फेज़ वन लॉन्च किया है। फेज़ वन लॉन्च करने से पहले हमने इसकी टोटल डिज़ाइनिंग और टाउन प्लानिंग दुनिया की टॉप लेवल की फर्म है माइनहार्ट सिंगापुर, उनसे करवाई है। सर, ये माइनहार्ट वही है जिन्होंने मॉल ऑफ दुबई बनाया और मलेशिया और बहुत सी कंट्रीज़ की लार्जेस्ट बिल्डिंग बनाई हुई है, ये अपनी की बात कर रहे हैं? यस, ये वही माइनहार्ट ग्रुप है जो दुनिया के अंदर बहुत बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन करके डिलीवर कर चुका है और बड़े सक्सेसफुल रेशो है इनकी। और ये क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो चीज़ें मॉनिटर की जा रही थी उनको ये लोग फीचर कर रहे थे, उन्होंने हमें गाइड किया एज ए कंसल्टेंट। हमारा ऑन ग्राउंड लैंड हमारे पास मौजूद है, वी आर स्टैंडिंग ओवर हेयर,
आसपास आप देखें कितना ज़बरदस्त नेचुरल इन्वायरमेंट है। हम इस 12,136 कनाल के अंदर कोई 12% एरिया टोटल ग्रीन एरिया छोड़ने जा रहे हैं, जिसमें अर्बन फॉरेस्ट कल्चर डेवलप किया जाएगा, ग्रीन बैंक्स बनाए जा रहे हैं, नर्सरियां लगाई जा रही हैं। पूरे पाकिस्तान से हम नायाब किस्म के जो पौधे हैं जो नायाब हो चुके हैं पाकिस्तान में, उनको ला के यहाँ पे कल्टीवेट किया जा रहा है, उनकी शजरकारी की जा रही है। अब इसके साथ साथ हम ग्रीन स्पाइंस का कंसेप्ट दे रहे हैं, जो लोगों के अंदर वॉकवे हैबिट्स हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपनी हेल्दी सोसाइटी के अंदर एक हेल्दी एक्टिविटी के साथ लिविंग स्टाइल को चेंज करें। सर मुझे बताएं कि ये बड़ी आइडियल लोकेशन है, सामने से मार्गला हिल्स नज़र आ रहे हैं, इस साइड मोटरवे है, इस साइड चक्री का इंटरचेंज है, और क्या ग्रीनरी है यहाँ पे, वाटर बेस्ड आप लोग पार्क्स बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, गोल्फ स्टेडियम है। तो सर ये बड़ी रीजनेबल प्राइस है इस्लामाबाद के बिल्कुल के फासले में, तो सर ये किस तरह से आपने जो अपनी कॉस्ट है इसको किस तरह से मैनेज किया? कॉस्ट इसलिए मैनेज की गई है क्योंकि हमने परचेजिंग का जो टाइम था हमारा वो कुछ अर्सा पहले से स्टार्ट था, हमने यहाँ पे अच्छी प्राइसेस में परचेजिंग की है। ज़्यादा जो लैंड के ऊपर एक्सपेंसेस आते हैं वो डेवलपमेंट चार्जेस के आते हैं, और उसके लिए भी हम कॉस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ जो डेवलपर पार्टनर है बनु मुख्तार ग्रुप है, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट है, जितना भी यहाँ पर मशीनें काम कर रही हैं, इंजीनियर हमें सर्विसेज दे रहे हैं, डे एंड नाइट उनकी सर्विसेज जो चल रही हैं उसके ऊपर हमने बड़े मैनेजमेंट के साथ उन काम करवा रहे हैं, तो कस्टमर्स की जो हम उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हमने बिफोर टाइम सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। सर मुझे सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो लैंड की परचेजिंग होती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लैंड मौजूद है और कम्पैक्ट पीस ऑफ लैंड है हमारे पास। मोटरवे आप देखें साइड पे, ये गाड़ियां गुजर रही हैं, मोटरवे का फ्रंट फेस है, उस तरफ हम खड़े हुए थे, चक्री रोड का फ्रंट फेसिंग है, तो इस लिहाज से हम अपने जो रिहायशी हैं, जो हमारे कंज्यूमर हैं, कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उनके लिए बड़ी फेवरेबल प्राइसेस के साथ इसको लेके चल रहे हैं। सर मुझे बताएं कि मैंने सुना है कि आप 5 मरले के, 8 मरले के, 14 मरले के और 1 किनाल के प्लाट ऑफर कर रहे हैं, तो सर मैंने देखा है कि जो किनाल की जगह होती है वहाँ पे 5 मरले वाला घर नहीं होता, जो 5 मरले की सोसाइटी होती है वहाँ पे किनाल का घर नहीं होता। सर ये बताएं कि ये आपने मिक्स सा रखा है जहाँ पे लग्जरी लोग भी रह सकते हैं और आप मेरे जैसा लोग भी जो सारी ज़िंदगी लगा के घर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा फेवरेबल ये जगह लग। एग्जैक्टली जी, आपने सही इसको पोर्ट्रेट किया। हमारी कंपनी के जो ऑनर्स हैं उनका मिशन यही है, उनकी मिशन स्टेटमेंट और कंपनी की पॉलिसी स्टेटमेंट यही है कि जो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, जो अच्छी सोसाइटीज़ में अच्छे कल्चर के अंदर अपने रिहायशी प्लॉट्स नहीं ले सकते, ख़रीद नहीं सकते, घर नहीं बना सकते, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि हम एक लग्जरी इन्वायरमेंट के साथ गोल्फ कोर्स कम्युनिटी डेवलप करने जा रहे हैं, यहाँ पर इको सस्टेनेबल फीचर के साथ हम इको कम्युनिटी डेवलप कर रहे हैं, साथ में हमने मिक्स यूज़ कम्युनिटी के लिए भी एरिया रखा है जिसमें 5 मरला, 8 मरला और 10 मरला के लिए प्लॉट। ज़रा प्राइसेस भी बता दीजिए। 5 मरला हम दे रहे हैं जी 3.5 साल का पेमेंट प्लान है, उसकी टोटल प्राइस 17 लाख है, 1.7 मिलियन है, उसमें 30% हम डाउन पेमेंट ले रहे हैं आपसे, रिमेनिंग आपने इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 25,000 महाना इंस्टॉलमेंट है। इसके बाद आ जाता है 8 मरला का प्लॉट, उसकी 23 लाख प्राइस है, वो आपने पे करना है 3.5 साल में, उसकी डाउन पेमेंट जो है 30% है, 6,90,000 रुपीज़, और आपने क्वार्टरली पे करना है इसका 1 लाख रुपया। इसके बाद आता है 10 मरला का प्लॉट जिसकी 28 लाख प्राइस है, और उसकी डाउन पेमेंट जो है वो 4.5 लाख, उसकी डाउन पेमेंट 7.5 लाख है, रिमेनिंग आपने 1,50,000 आपने क्वार्टरली उसका पे करना है। बाकी सोसाइटीज़ की कंपैरेटिवली अगर कंपैरिजन करें तो हम सबसे बड़ा जो पहला हमारा फीचर है इको सस्टेनेबल फीचर है। दुनिया के अंदर लोगों ने तरक्की करने के बाद जो डेवलप्ड सिटीज़ हैं वहाँ पे रह के देख लिया, वहाँ पे बहुत सारे आपके हेल्थ हैजर्ड्स हैं, आपको हेल्थ अलर्ट्स हैं, वहाँ पे जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा। द होल वर्ल्ड इज़ कमिंग बैक टू द नेचर, कि दुनिया के अंदर नेचुरल इन्वायरमेंट को बड़ी प्रोमिनेंट पोजिशन मिल चुकी है, और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग की जा चुकी है, इसके फंड रेज हो चुके हैं। यूनाइटेड नेशन का ये कोर इशू है कि हमने अपनी इस ह्यूमन बीइंग और अदर लिविंग बीइंग्स जो है उनको कैसे सस्टेन और मेंटेन रखना है। तो हेल्थ के ऊपर हम बहुत सारी चीज़ें लोगों को गाइड भी कर रहे हैं, वी आर एजुकेटिंग द पीपल। ना सिर्फ हम लोगों को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की ऑफर कर रहे हैं बल्कि लोगों को बेहतरीन तरीके से इको चेंज करने का, हेल्दी लाइफस्टाइल का, इन्वायरमेंट का मैसेज भी दे रहे हैं। सर मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूँगा, मैंने सुना है कि आप लोग अपनी बिजली पैदा करने लगे हैं, आप अंडरग्राउंड वाटर को सेव करने के पे काम कर रहे हैं, आप यहाँ के जो कचरा इकट्ठा होगा उससे एनर्जी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, तो सर इसमें कोई रियलिटी भी है या सिर्फ ये जस्ट फॉर द प्रमोशन? जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि हमें जिस कंपनी ने कंसल्टेंसी दी, जिन्होंने हमें ये सारी चीज़ें टाउन प्लान करके दी, जितनी भी ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा मेन है जिसमें
एनर्जी सोर्स है, एनर्जी सोर्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है हमें सोलर पैनल अगर लगा लिए जाए, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वाटर रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं आप, पानी कुदरती वसीला है, बहुत बड़ी नेमत है जिसको हमने पिछली 15 से 20 सालों के अंदर बड़ा ज़ाया किया है। आज हमें ये एक अलर्ट आ चुका है कि इस पानी को सेव भी करना है और इसको रिसाइकल रीट्रीट करके दोबारा यूज़ में लाना है इरीगेशन के लिए, प्लांटेशन के लिए। ऑफकोर्स हमारे पास लैंड बड़ी अच्छी है, यहाँ का जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो 150 से 160 फिट की गहराई में है, इसको हम सेव भी रखेंगे और रीयूज़ करेंगे। इसको जो इस्तेमाल शुदा पानी है, यूज्ड वाटर को हम ट्रीटमेंट प्लांट के ज़रिए दोबारा ट्रीट करने के बाद इसको इरीगेशन के लिए, प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल में लाएंगे। और जो कचरे की आपने बात की, वेस्ट जो है वो बहुत बड़ा मुअम्मा है पाकिस्तान के अंदर। जैसे हमारा बिग सिटी है, मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची, वहाँ पे कचरे का बहुत बड़ा इशू है। हमने पहले से इसको प्लान किया हुआ है कि हमने गार्बेज बॉक्सेस बनाने और उनको गाड़ियों के ज़रिए, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अपने बायोगैस प्लांट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और दुनिया में इसका सलूशन निकाला जा चुका है, इंसुलेशन प्लांट लगाया जाता है, बायोगैस प्लांट लगाया जाता है, बायोगैस प्लांट के अंदर इसको बर्न किया जाता है, उससे भी एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। और हमारी सोसाइटी का जो टारगेट है, अप टू 70% हम अपना सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, 30-40% हम जाएंगे नेशनल ग्रिड की तरफ, वापडा की तरफ, अपनी खुद बनाएंगे। ऑफ कोर्स। अच्छा लास्ट में आलसा मुझे ये बता दें कि इंसान सारी जिंदगी मेहनत करके एक घर बना पाता है तो बहुत सी इनसिक्योरिटीज होती हैं, तो आप जो लोग आपके टारगेट कस्टमर्स हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे सिक्योर्ड है और क्या इसमें ग्रोथ? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स लोगों का पैसा है, लोगों के पैसे की सिक्योरिटी जो है वो हमारी कंपनी की तरफ से है। मुवीदा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है, रजिस्टर्ड है पाकिस्तान से, इसका बैंक अकाउंट है, इसमें आप अपने फंड इंजेक्ट करें, फंड ट्रांसफ़र करें और उसकी रसीद अपने पास सिक्योर रखें। मनी ट्रेल आपके पास मौजूद है, कंपनी उसके बदले में आपको रसीद ऑन अपने लेटर हेड के ऊपर अपनी ऑफिशियल रसीद देगी, आपको फाइल दे देगी। आप उस पेमेंट प्लान के मुताबिक अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ये प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पे लैंड कंपनी की होती है, सोसाइटी की तरफ से दी जाती है, उसके ऊपर जो डेवलपमेंट होती है वो पब्लिक की जो मनी आती है हमारे पास, जो इंस्टॉलमेंट्स आती हैं उसके बदले में हमने वही पैसा इंजेक्ट करना होता है। वो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है डेवलपमेंट होती जाती है। तो इस लिहाज से आखिरी जो लास्ट मैसेज मैं अपनी तरफ से देना चाहूँगा ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेस्ट टाइम है रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि पाकिस्तान का पाक रुपीज़ और इंटरनेशनल जो करेंसी है उसका जो कन्वर्जन रेट है बड़ा सूटेबल है आपके लिए। आज के दौर में आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आने वाले कुछ 6 माह साल के अंदर अंदर, 1 साल के अंदर अंदर आप इसका बेस्ट रिजल्ट ले जाते हैं। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन ये थे मीवादा के मैनेजर जो लीड कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को। नाज़रीन आपने देखा कि ये बड़ी एक आइडियल लोकेशन है जहाँ पे आपको इस्लामाबाद के पहाड़ भी नज़र आते हैं, यहाँ पे बिल्कुल साथ इनका मेन गेट जो है वो मोटरवे पे भी है, एक गेट चकरी पे और इस्लामाबाद से 10 मिनट की मुसाफत पे है। यहाँ पे आपको पहाड़ मिल सकते हैं, यहाँ से एक दरिया गुजर रहा है सोसाइटी के अंदर से, यहाँ पे वाटर थीम पार्क्स हैं, उसके बाद यहाँ पे गोल्फ स्टेडियम है और ये बेस्ट जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। आप यहाँ पे आए, ज़रूर विजिट करें और आपकी इन्वेस्टमेंट इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको दुगना तिगना यहां से अर्न करके देगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।